नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस अपडेट्स के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाल ही में देश भर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस दिन कर्तव्य निष्ठा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली पुलिस ने भी इस दिन अपने शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। एक रिपोर्ट। किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ होती है वहां की पुलिस। अपराधियों पर शिकंजा कसने के साथ साथ शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका सबसे अहम होती है। ये पुलिस जवान ही होते हैं जो फर्ज की खातिर अपनी जान की कुर्बानी देने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। कर्तव्य पथ पर दिल्ली पुलिस सदैव मजबूती से डटी रहती है। घर परिवार की परवाह किए बिना दिल्ली पुलिस कर्मी राजधानी वासियों की सेवा और सुरक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। फर्ज के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले ऐसे ही शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर वर्ष 21 अक्टूबर का दिन पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी शहीदों को सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए 21 अक्टूबर को किंग्सवे कैंप स्थित पुलिस लाइन में स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के साथ साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्तों और अन्य आला अधिकारियों ने शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इक्कीस अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करते हैं, जिसमें उन शहीदों का स्मरण किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। गत वर्ष अर्धसैनिक पुलिस संगठनों और पुलिस बलों के कुल 188 शूरवीरों ने कर्तव्य का पालन करने के दौरान अपने प्राणों की आहुति देकर शानदार मिसाल कायम की है। इन शहीदों में दिल्ली पुलिस के 3 शहीद कर्मी ASI शंभुदयाल मीना, हेड कांस्टेबल प्रदीप और कांस्टेबल बिट्टू शामिल हैं, जिन्होंने कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपनी जान गंवा दी। इन शहीद कर्मियों का कर्तव्य के प्रति समर्पित भाव एवं बलिदान भावी पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर निर्भीकता से अग्रसर होने की प्रेरणा देता रहेगा। दिल्ली पुलिस को अपने बहादुर कर्मियों के साहस और कर्तव्य निष्ठा पर गर्व है। प्रत्येक वर्ष हम अपने शहीदों को आज के दिन याद करते हैं, साथ ही देश की सेवा में गत वर्ष प्राण न्यौछावर करने वाले हर पुलिस कर्मी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 21 अक्टूबर 1959 को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक छोटी सी टुकड़ी लद्दाख क्षेत्र के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में मातृभूमि की रक्षा के लिए तैनात थी। तभी वहां एक पहाड़ी पर घात लगाए बैठे चीनी सैनिकों के दस्ते ने हमारी पुलिस टुकड़ी पर हमला कर दिया। उस हमले में 10 वीर जवान मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तभी से केंद्रीय पुलिस संगठन और राज्यों की पुलिस द्वारा इस दिन को स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुलिस स्मृति सप्ताह की श्रृंखला में शहीद कर्मियों को याद करते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी में अनेक यादगार कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अंतर्गत दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की उपस्थिति में चाणक्यपुरी स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में डेडिकेटेड मेमोरियल सर्विसेज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां बनाई गई वीरता की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम अंकित हैं जिन्होंने कर्तव्य के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा शहीदों के लिए दौड़ का आयोजन भी किया गया। पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों ने इस प्रतीकात्मक दौड़ में भाग लिया, जो नेहरू पार्क से शुरू हुई और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक तक पहुंची। दिल्ली पुलिस के शहीदों के परिवारों और सेवारत कर्मियों ने भी राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का दौरा कर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक परिसर में बने संग्रहालय का भी दौरा किया। साथ ही साथ पुलिस द्वारा निभाई जाने वाली विविध भूमिकाओं और पुलिस कर्मियों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में जाना। शहीदों की याद में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में दिल्ली पुलिस ब्रास बैंड और दिल्ली पुलिस महिला पाइप बैंड ने देशभक्ति की धुनें बजाई।
इसके बाद एक सौहार्दपूर्ण रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। और अब डालते हैं एक नजर दिल्ली पुलिस की उपलब्धियों पर। फेक वीजा रैकेट का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग का सरगना इनामुल हक है, जो बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़कर इनामुल अपने साथियों के साथ मिलकर फेक वीजा रैकेट चला रहा था। लोगों को ठगने के लिए आरोपी पहले दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर अपना ऑफिस खोलते थे, इसके बाद नौकरी.com जैसे प्लेटफॉर्म से वैसे लोगों का डेटा निकालते थे जो खाड़ी देशों में जॉब करना चाहते थे। नौकरी की चाहत रखने वाले लोग जब इनसे संपर्क करते थे तो ये उन्हें दुबई में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लेते थे। जॉब दिलाने के बदले ये हर कैंडिडेट से 60,000 रुपए ऐठ लिया करते थे। ये अब तक करीब 1,000 लोगों को चूना लगा चुके हैं और इनके चंगुल में फंसे ज्यादातर लोग केरला के रहने वाले हैं। ये लोग जैसे एक कॉल सेंटर के टाइप से टेलीकॉलिंग करते थे, डाटा ये सब लेते हैं जो उस तरह के प्लेटफॉर्म से नौकरी.com वगैरह, कि किसको गल्फ में जाना है, किसको इच्छा है वहाँ जाने की, तो उनको ये कॉलर को करते रहते थे। जो फंस जाता था उसको फिर ये ऑफिस का एड्रेस दे देते थे कि तुम वहाँ आ जाओ, ये डॉक्यूमेंट लो। और वो जब ऑफिस 2-3 महीने इस तरह से काम करते थे, करीब 60,000 रुपया ले लेते थे, उसमें 59,000 अलग अलग इन्होंने ब्रेकअप किया हुआ था कि इसके इतने कंसल्टेशन के ये चार्जेस। और 2-3 महीने बाद जब वो काफ़ी सारे 100 लोग करीब फंस गए, उनको टाइम दे देते कि अभी महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीने लगेगा, और फिर उस ऑफिस को अचानक एक दिन बंद करके गायब हो जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 लैपटॉप, 12 मोबाइल फोन, 110 पासपोर्ट और इस फर्जीवाड़े में काम आने वाला तमाम साजो सामान भी बरामद कर लिया है। झपटमारी गैंग का पर्दाफाश करते हुए द्वारका जिला पुलिस ने 4 शातिर झपटमारों को गिरफ्तार किया है। सूरज, विशाल, सौरभ और अमित नाम के ये आरोपी मोबाइल झपटमारी और वाहन चोरी के अनेक मामलों को अंजाम दे चुके हैं। आरोपी नशे के आदि हैं और अपनी इस लत व बाइक सवारी के शौक को पूरा करने के लिए चोरी और झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूत्रों से पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि द्वारका और आसपास के विभिन्न इलाकों में स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी सूरज और विशाल को द्वारका सेक्टर 14 के वंदे भारत पार्क से गिरफ्तार कर लिया। बाद में इनकी निशानदेही पर पुलिस ने सौरभ और अमित को भी धर दबोचा। द्वारका नॉर्थ थाने की टीम है, वो 4 लड़कों को 2 चोरी के मोटरसाइकिल पे गिरफ्तार किया, उनसे 4 स्नैच मोबाइल फ़ोन मिले। ये लड़के जो है जनरली अर्ली मॉर्निंग आवर्स में द्वारका में मोबाइल स्नैचिंग कर रहे थे और इनके इस अरेस्ट के बाद इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे लगाम लगा। पुलिस ने इनके कब्जे से चुराए गए 4 मोबाइल फोन व 2 बाइक बरामद करते हुए वाहन चोरी और छीना झपटी के 7 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। हरियाणा के सोनीपत में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल प्रवीण पर हुए जानलेवा हमले के सनसनीखेज मामले को क्राइम ब्रांच ने महज 24 घंटे के अंदर सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 आरोपी सुशील और शिलक राम को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के किसी करीबी की पीड़ित हेड कांस्टेबल के साथ दुश्मनी थी, इसी के चलते आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रवीण के घर पहुंचे और उस पर गोलीबारी कर फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी। इसी के तहत पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और अन्य सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर समालखा के नजदीक पानीपत में जाल बिछाया और इन दोनों को धर दबोचा। आगे की छानबीन जारी है। मध्य जिला पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोर यश और सचिन को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पिछले काफी समय से वाहन व मोबाइल चोरी के साथ साथ छीना झपटी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। ये दोनों
वाहन चोरी करने के बाद उनका इस्तेमाल स्नैचिंग और मौके से फरार होने के लिए किया करते थे। पुलिस से बचने के लिए ये चोरी किए गए वाहनों को किसी सुनसान जगह छोड़ दिया करते थे। ईस्ट पार्क रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस को दो बाइक सवार संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए थे। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने के बावजूद उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाई और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 चुराए गए दुपहिया वाहन बरामद करते हुए चोरी और छीना छपटी के 4 मामले भी सुलझा लिए हैं। पश्चिमी जिला पुलिस ने तिलक नगर इलाके में हुई विदेशी महिला लीना बर्जर की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी गुरप्रीत को गिरफ्तार किया है। स्विट्जरलैंड की रहने वाली लीना और आरोपी एक दूसरे को काफी सालों से जानते थे। गुरप्रीत को जैसे ही पता लगा कि लीना की शादी कहीं और होने वाली है तो इससे गुरप्रीत को गुस्सा आ गया। इसने लीना को ठिकाने लगाने का प्लान बनाकर उसे स्विट्जरलैंड से दिल्ली बुला लिया। इसके बाद इसने लीना को काला जादू दिखाने के नाम पर उसके हाथ पैर बांधे और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने शव को एक काले रंग की पॉलिथीन में डालकर कार में रखा और तिलक नगर स्थित MCD स्कूल के पास फेंक कर फरार हो गया। तफ्तीश के दौरान जब आसपास के कैमरे चेक करे गए तो उसमें दिखा कि एक सस्पिशियस गाड़ी है जो उसी समय पे वहाँ से निकली है। लोकल पूछताछ में ये सामने आया था कि कोई एक टाइम विंडो है जिसमें वहाँ से जिससे पहले वहाँ पर कोई इस तरह की डेड बॉडी नहीं थी और फिर वो डेड बॉडी पाई गई, तो उस टाइम विंडो को यूटिलाइज़ करते हुए हमने वो गाड़ी आइडेंटिफाई करी। जब उसको पीछे ट्रेस करा गया तो पाया गया कि ये जनकपुरी से कुछ ही समय पहले किसी एक सेकेंड हैंड कार डीलर से कैश के पेमेंट पे खरीदी गई है। तो जानकारी में आया कि कैश पेमेंट पे एक महिला के नाम पे उसको खरीदने के लिए वहाँ पर कोई एक व्यक्ति आया था। कुछ और जानकारियाँ वहाँ से मिली, लोकल सूत्रों से भी हमने जानकारी हासिल करके और फिर एक गुरप्रीत नाम के व्यक्ति को हमने ट्रेस किया। पुलिस ने इसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है। अटेम्प्ट टू मर्डर के सनसनीखेज मामले को सुलझाते हुए मध्य जिला पुलिस ने रहमान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने इलाके में दबदबा कायम करना चाहता था और लोगों पर रौब जमाने के लिए अपने पास देसी पिस्तौल रखता था। मामूली कहासुनी के बाद इसने जगत सिनेमा के नजदीक एक युवक पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गया था। इसी के बाबत जामा मस्जिद थाने को सूचना मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फौरन जांच पड़ताल में जुट गई। ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान पुलिस को आरोपी के न्यू जाफराबाद इलाके में छिपे होने की सूचना मिली थी। इसी पर पुलिस ने वहां छापा मारा और आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 जिंदा कारतूस समेत एक देसी पिस्टल भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर शादाब को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी वाहन चोरी और छीना झपटी के 11 मामलों में शामिल रहा है। गश्त करने के दौरान पुलिस टीम को एक युवक संदिग्ध अवस्था में बाइक चलाता हुआ दिखाई दिया था। पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन मामले को भांपते हुए पुलिस ने उसका पीछा किया। पकड़कर जब उससे पूछताछ की गई तो वो बाइक के कागजात नहीं दिखा सका। छानबीन में बाइक सागरपुर इलाके से चुराई गई पाई गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हमारा स्ट्रेटजी स्नैचिंग में यही रहा है कि हम हर स्नैचिंग केस को पूरी गंभीरता से लेके उस पर एक डेडिकेटेड टीम लगा के जो फुटेज है CCTV फुटेज को पूरी तरह से फॉलो करके उसके बेसिस पे हम स्नैचर्स को पकड़ रहे हैं और उनसे रिकवरी करके फिर उनको हम अरेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ से जो जेन्युइन एक्टिव स्नैचर्स हैं वो हमारे रडार पे आ जाते हैं, हमारे सर्वेलेंस में। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी के 2 दुपहिया वाहन बरामद करते हुए वाहन चोरी के 2 मामले भी सुलझा लिए हैं। दक्षिणी जिला पुलिस ने योगेश नाम के युवक की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी शशांक सिंह को गिरफ्तार किया है। मृतक योगेश आरोपी का दोस्त था और ये दोनों अक्सर नौकरी की तलाश के सिलसिले में मिलते रहते थे। शशांक की योगेश से किसी बात को लेकर नाराजगी हो गई थी, इसी वजह से इसने योगेश की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को द्वारका के सुनसान इलाके में ठिकाने लगा दिया।
इसके बाद शशांक पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक योगेश के परिवार वालों से 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर रहा था। अंबेडकर नगर थाने में मृतक के परिवारजनों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराए जाने पर पुलिस ने गहन छानबीन की और शशांक को न्यू अशोकनगर से गिरफ्तार कर लिया। ये लोग लाजपत नगर में मिले, उसके बाद लाजपत नगर से ये द्वारका गए, द्वारका में इसने पिज्ज़ा खरीदा और जो लास्ट कॉल है, लास्ट कॉल भी विक्टिम और ये जो अक्यूज्ड है हमारा, इनके बीच की ही बातचीत है। तो इसने एडमिट किया है और इनका बेसिकली ये 20 जून को मिले थे एक पार्टी में और उसके बाद दोनों ही जॉब की तलाश कर रहे थे, विक्टिम भी जॉब की तलाश कर रहा था क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करता था ये, और इसकी शायद इससे बात हो रखी थी कि मैं तुम्हें अपनी सीवी दूंगा, बार बार सीवी के बहाने मिलता था। इनका जो है ये LGBTQ पार्टीज़ ये अटेंड करते थे बेसिकली, और अभी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसमें मोटिव क्या था और रीज़न क्या था। पुलिस ने इसके कब्जे से 14 मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है। क्राइम ब्रांच ने विजय सिंह नाम के एक वांछित और खूंखार अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधी ने साल 2011 में किशनगढ़ इलाके में एक शख्स की हत्या कर दी थी। इस मामले में वर्ष 2018 में अदालत ने इसे दोषी करार दिया था। सजा के दौरान ये 2 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया था और अवधि पूरी हो जाने के बाद इसने आत्मसमर्पण नहीं किया था। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता था। इस मामले में अदालत ने भी इसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। पुलिस को इसके मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में छिपे होने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और इसे गिरफ्तार कर लिया। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस ने 24 आपराधिक मामले सुलझा लिए हैं। अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्कर गोल्डी चौहान को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी हरियाणा से अवैध शराब लाकर उसे दिल्ली में सप्लाई करने के धंधे में लगा हुआ था। पुलिस को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि एक तस्कर अवैध शराब से भरा टेम्पो लेकर धूलसिरस चौक से गुजरने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर नाकेबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। 5,750 क्वार्टर अवैध शराब जब्त करते हुए पुलिस ने इसके कब्जे से तस्करी में इस्तेमाल एक टेम्पो भी जब्त कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राज्यीय मेवाती गिरोह के 5 सक्रिय लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान हाफिज, राहिल, इकराम, रॉबिन और मुशलीन के रूप में की गई है। ये दिल्ली NCR समेत देश के अलग अलग राज्यों में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूटपाट, वाहन चोरी जैसी कई संगीन वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। हाल ही में इन्होंने कर्नाटक के विजयनगर में एक बैंक ATM लूटने का प्रयास किया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 5 मेवाती लुटेरे कर्नाटक से तुगलकाबाद स्थित सर्वोदय विद्यालय में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगा दिया और मुठभेड़ के बाद इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस समेत लूटपाट में इस्तेमाल होने वाले औजार भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने शातिर जालसाज सुंदर सिंह और हारमनी सैमुअल को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने आप को विदेश में बड़ा नेवी अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर बताकर फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते और लड़कियों व महिलाओं से चैट करने लगते थे। लड़कियों का विश्वास जीतने के बाद ये उन्हें शादी के लिए प्रपोज करते थे। लड़की जब इनकी बातों में आ जाती थी तो ये उसे नकली उपहार या पार्सल भेजते थे, जिसके कस्टम क्लियरेंस शुल्क के भुगतान करने के नाम पर ये उससे अपने खाते में पैसा जमा करा लिया करते थे। इस तौर तरीके से भोली भाली लड़कियों के साथ धोखाधड़ी किया करते थे। इनका शिकार बनी ऐसी ही एक लड़की ने अपने साथ हुई 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी की रिपोर्ट साइबर थाने में दर्ज कराई थी। इसी के तहत पुलिस ने गहनता से छानबीन की और दोनों आरोपियों को चंद्र विहार से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जब इसका केस रजिस्टर हुआ, हमारे साइबर थाना द्वारका साइबर थाने ने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पता चला कि ये एक व्यक्ति है जो अलग अलग प्रोफाइल बना के उसके पास से 6 मोबाइल फोन, लैपटॉप रिकवर हुए अरेस्ट होने के बाद। कभी वो अपने आप को कोई नेवी का ऑफिसर, कभी अपने आप को सी इंजीनियर,
फॉरन में पोस्टेड इंजीनियर, इस तरह से अपने आपको पोर्ट्रे करके, फॉरनर की तरह पोर्ट्रे करके वो लड़कियों से बात करना शुरू करता, चैट करना शुरू करता था और उनको कहता था कि मैंने आपको, जैसे इस पर्टिकुलर केस में उसने कहा कि मैं एक नॉर्वे में सी इंजीनियर हूँ और इटालियन हूँ और नॉर्वे में सी इंजीनियर हूँ और मतलब क्या कि आप काफ़ी मुझे पसंद आए और मैं गिफ्ट भेजना चाहता हूँ। उसने गिफ्ट भेजने के नाम पे ये कहा कि मैंने गिफ्ट भेज दिया है, कई हज़ार यूरो के गिफ्ट भेजा है बट वो कस्टम्स ने रोक रखा है, तो कस्टम्स के आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे आप ट्रांसफर करो। धोखाधड़ी के कुल 10 मामले सुलझाते हुए 106 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी पुलिस ने इनके कब्जे से बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुनेद अख्तर नाम के एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की फर्जी वेबसाइट्स बनाकर उनके जरिए घरेलू उत्पादों पर आकर्षक ऑफर पोस्ट कर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। लोग जब इसे ऑनलाइन सामान का ऑर्डर करते थे, ये उनके क्रेडिट कार्ड का डेटा चुरा कर उन्हें ठग लिया करता था। इसने कई राज्यों में अपना रैकेट फैला रखा था। जालसाजी करने के लिए इसने बकायदा कॉल सेंटर बना रखा था, जहां से इसकी पत्नी टेलीकॉलर बनकर लोगों को कॉल कर ऑफर्स की जानकारी दिया करती थी। इसके ट्रैप में फंसकर कई हजार रुपए गंवा चुके एक शख्स ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। इसी की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने मनी ट्रेल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की छानबीन की और आरोपी का पता लगाने में कामयाब रही। इसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। द्वारका जिला पुलिस ने 11 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक ज्वेलरी की दुकान में लूट की योजना बना रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश अपने साथियों से मिलने के इरादे से दीनपुर एक्सटेंशन के इलाके में आने वाले हैं। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दीनपुर एक्सटेंशन में न्यू मस्जिद के नजदीक जाल बिछाया और इन सभी को धर दबोचा। ये बात पता चला था कि कुछ क्रिमिनल्स जो बेसिकली हरियाणा के रहने वाले हैं, वो यहाँ पे ज्वेलरी शॉप्स में डकैती करने का प्लानिंग कर रहे हैं और एक छावला एरिया के अंतर्गत जो दीनपुर एक्सटेंशन एरिया है, उस एरिया में एक नॉन क्रिमिनल के यहाँ पे वो इकट्ठा हो रहे हैं इस पर्पस से। तो उनको फिर इंटरसेप्ट किया गया और वो दीनपुर एक्सटेंशन के एरिया से इन 11 लोगों को पकड़ा गया है और सभी को अभी जेल भेजा गया है। फर्दर इसमें सोर्स ऑफ वेपन और उन सब चीज़ के लिए भी डिटेल्ड इंट्रोगेशन हुआ है और इस तरह के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो इस एरिया में ना हो और इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स इस एरिया ना के ऑपरेट ना करें, इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारी मात्रा में असलाह बरामद करते हुए पुलिस ने इनके कब्जे से 3 कारें भी बरामद कर ली हैं। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने 18 वर्ष के युवक की हत्या के आरोप में एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। नाबालिग ने वेलकम थाना क्षेत्र स्थित जनता मजदूर कॉलोनी में लूटपाट करने के इरादे से पीड़ित पर चाकू से हमला कर दिया। पहले उसने पीड़ित का मुंह दबाकर उसे बेहोश कर दिया और बाद में चाकू से वार कर दिया। नाबालिग 350 रुपए लूटकर मौके से फरार हो गया था। अस्पताल ले जाने पर पीड़ित को मृत घोषित कर दिया गया था। इन्फॉर्मेशन आ गई थी, PCR कॉल नहीं थी, इन्फॉर्मेशन आ गई थी थाने में कि एक लड़के को चाकू लगे हैं, तो तुरंत SHO, एडिशनल SHO, हमारे पूरे जो टीम है वेलकम थाने की, इसमें तुरंत जुट गई और जो इंजर्ड था उसको तो हॉस्पिटल ले गए, वहाँ वो ब्रॉड डेड हो गया था, काफ़ी उसको चाकू लगे और जो एक्यूज़ है उसकी खोज की गई, CCTV वगैरह भी चेक किए गए और एक्यूज़ को पकड़ लिया। 16 साल का लड़का है, यंग लड़का है और चाकू जो यूज़ किया था वो भी बरामद हो गया उससे, तो उससे मैंने खुद बात किया था, तो मोटिव इसमें रॉबरी था, तो वो कुछ पैसे छीनने की कोशिश कर रहा था, जब विक्टिम ने रेजिस्ट किया तो पहले उसको चोक किया फिर बाद में चाकू मार दिया था, तो हमने मर्डर का केस रजिस्टर किया, अभी इन्वेस्टिगेट। इस मामले में आगे की जाँच जारी है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है।
खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस अपडेट्स में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की नई अपडेट्स के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।